क्या हुआ है आज? इतनी चिंता क्यों है? नर्क में अभी तक हाउसिंग की समस्या का समाधान नहीं हुआ क्या? अरे वो तो भ्रष्ट अधिकारियों ने बड़ी बड़ी खुर्दियाँ खड़ी कर दी है, इमारतें, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। उसे दिक्कत क्या है? वो तुम्हें बताते हैं अभी। अच्छा, इस भोलाराम की आत्मा को तो मैं ढूंढ लाऊंगा, आप चिंता ना करें, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। नारद मुनि, भोलाराम की आत्मा। नारद मुनि भोलाराम की आत्मा की तलाश में पृथ्वी पर भोलाराम के घर के बाहर आ पहुंचे। अरे बाला, जूझने बंद करो, जरा अपनी मम्मी को बुलाओ। ओके माँ। ओ माँ, देखो कोई है। आपके पति को कोई बीमारी बीमारी थी क्या? बीमारी तो उन्हें सिर्फ एक ही थी, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी या पॉवर्टी? अरे सही बोली है, पेंशन ना होने वाले भी अच्छे दिन होंगे। आते ही नहीं, पेंशन आए नहीं, पेंशन नहीं नहीं। अच्छा ये बताइए, आपके पति भोलाराम सिर्फ नाम के ही बोले थे, काम वाम क्या किया करते थे? मैं समझी थी, खैर वो छोड़िए। आप ये बताइए, आप इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं? ढूंढ तो हम बहुत कुछ सकते हैं, तसल्ली होना अलग बात है। चलिए अभी चलते हैं, हमारी थोड़ा जरूर याद करिएगा। भोलाराम की पेंशन की समस्या को सुलझाने नारद गवर्नमेंट ऑफिस आ पहुंचे।